दोस्तों, घर हो या कोई मॉल या फिर कोई एयरपोर्ट, इन सब जगहों के वॉशरूम्स में एक चीज ऐसी है जो हमेशा कॉमन होती है और वो है टॉयलेट पेपर। आपने चाहे कहीं का भी वॉशरूम यूज किया हो, लेकिन आपको हर जगह एक ही कलर का टॉयलेट पेपर देखने को मिला होगा और वो कलर है व्हाइट। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि आखिर टॉयलेट पेपर हमेशा व्हाइट कलर का ही क्यों होता है? अगर कंपनी चाहे तो वे टॉयलेट पेपर को हरा, लाल, नीला या रंग बिरंगा भी बना सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअल में दोस्तों, टॉयलेट पेपर के व्हाइट होने के पीछे मेनली टू रीजन है। नंबर वन, असल में जब टॉयलेट पेपर को बनाया जाता है तो इसे ब्लीच किया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग सफेद हो जाता है। और वहीं अगर इसे कलरफुल बनाना है तो इसे डाई करनी पड़ेगी, और इससे इसे बनाने वाली कंपनी का खर्चा काफी ज्यादा हो सकता है, और इसलिए इसे मार्केट में व्हाइट कलर के साथ ही बेचा जाता है। नंबर टू, ऐसा नहीं है कि कंपनीज सिर्फ खर्चा बचाने के लिए इसे सफेद रंग का रखती है। दरअसल कलर टॉयलेट पेपर को हेल्थ के हिसाब से सही नहीं माना जाता, और डॉक्टर्स भी सफेद टॉयलेट पेपर यूज करने की सलाह देते हैं। और इसके अलावा सफेद पेपर को इको फ्रेंडली भी माना जाता है, और इसे डीकंपोज करना भी आसान होता है।